अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तो एक सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जो गुजरात यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है, एक दफ़ा सरगोधा यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और GCUF पंजाब यूनिवर्सिटीज़ का ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम लोग इस लेक्चर का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, ऑन आ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव आ चॉइस ऑफ रिसीविंग 25,000 सिक्स ईयर फ्राम नाउ। आज से 6 साल के बाद 25,000 आप रिसीव करेंगे और 50,000 12 ईयर फ्रॉम नाउ, या फिर अब से 12 साल के बाद 0 ईयर से 6 साल के बाद 25,000। जैसा कि मैं यहाँ पे इसको इस डेटा को लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको समझने में आपको आसानी हो, वो कह रहे हैं ये हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3, ये सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है। वो कहता है 0 ईयर में अगर आप खड़े हों तो अब से 6 साल के बाद आप 25,000 वसूल कर लें या 12 साल के बाद 50,000 वसूल कर लें। अच्छा जी, ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव अ चॉइस ऑफ 25,000 सिक्स ईयर फ्रॉम नाउ और 50,000 12 ईयर फ्रॉम नाउ, एट व्हाट इम्प्लाइड कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट। हमारे पास इम्प्लाइड कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट शुड हैज बीन इनडिफरेंट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान वो हमें डिफरेंस कर दे, मीन्स के हमें इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके देना है। अच्छा जी, जब इस तरह की सूरत हाल हो, आपने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना हो, तो आप इसको कुछ इस तरह से अडॉप्ट करेंगे। आप इस दौरानिए को छोड़ दें, ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्योंकि सिक्स ईयर का है सो एन इक्वल टू सिक्स है, आई हमें कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगा देंगे, वो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर लिख देना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन टू वन प्लस आई की पावर एन। फ्यूचर वैल्यू 50,000 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 25,000 इन टू वन प्लस आई की पावर एन। 50,000 डिवाइडेड बाय 25,000, ये पोर्शन इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में हो जाएगा, वन प्लस आई की पावर सिक्स। यहाँ पे सॉल्व करें तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर 6, दोनों साइड पे पावर 1 बाय 6 ले लें, 1 प्लस आई की पावर 6, ये भी 1 बाय 6, ये तो 6 6 से इस तरह कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को आप सॉल्व कर लें, 2 1 डिवाइडेड बाय 6, ये देखें 2 पावर 1 डिवाइडेड बाय 6, 1.1224 इक्वल टू 1 प्लस आई, 1.1224 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, 1.224 माइनस 1 इक्वल टू आई, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 12.24%। ये इंटरेस्ट रेट है, ये ज़रा देखिएगा, इसको ज़रा मैं जूम आउट कर दूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। हमने 0 टाइम पीरियड पे और फिर 6 ईयर के बाद, फिर 12 ईयर के बाद, जो 6 ईयर के बाद वो प्रेजेंट वैल्यू, जो 12 के बाद वो फ्यूचर वैल्यू, जो डिफरेंस है वो एन। हमने कैलकुलेट किया फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन टू 1 प्लस आई की पावर एन, 50,000 25,000 1 प्लस आई, 25,000 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, 1 प्लस आई की पावर एन, एन 6 है, सॉल्व किया तो ये 2 रह गया, दोनों साइड पे 1 बाय 6 सॉल्व किया तो 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 6, 1.1224 इज इक्वल टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, 1.224 माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट,
सॉल्व किया तो 12.24% ये आपके पास इंटरेस्ट रेट सॉल्व होके आ गया, जिसमें से हमें डिसाइड कर दिया गया कि अगर हम लोग 6th ईयर में 25,000 और 12th ईयर में 50,000 फाइंड करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% होगा। लेकिन स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम बात करते हैं सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम नंबर 4 की। सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम नंबर 4 भी एक इजी क्वेश्चन है। लेकिन स्टूडेंट इसको भी रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एमर्सन केमिक विश टू परचेज, ये खरीदना चाहता है। अगर खरीदना चाहता है तो ऑब्वियसली तौर पर आज पैसे देगा, प्रेजेंट वैल्यू की बात करेगा। विश टू परचेज एन एनुटी कॉन्ट्रैक्ट, हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी की बात करना होगी। डेट विल पे हिम, जो उसको अदा करेगा, 7,000 अ ईयर, इंस्टॉलमेंट 7,000 होगी, आर की वैल्यू 7,000 होगी फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, उसकी जिंदगी तक। द फिलफो लाइफ इंश्योरेंस, द फिलो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फिगर डेट हिज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द 20 ईयर, उसकी उम्र अभी को 20 साल बाकी है, बेस्ड ऑन इट्स एक्चुअरी टेबल, उसके कैलकुलेशन वाले टेबल के मुताबिक। द कंपनी इंप्यूट्स अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% इन इट्स एनुटी कॉन्ट्रैक्ट, उसका इंटरेस्ट रेट 6% है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, हाउ मच विल केमिक हैव टू पे फॉर द एनुटी, उसको आज इस तरह की किस्तों वाले प्लान को खरीदने के लिए पेमेंट करने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली शुरू शुरू में आप प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के लिए लेके कन्फ्यूज होंगे कि पता नहीं इसमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है या फ्यूचर वैल्यू। मैं एक दफ़ा इसको रिपीट करता हूँ कि आपने कैसे जज करना है कि ये प्रेजेंट वैल्यू है, होगा इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। एमर्सन केमिक विश टू परचेज, ये खरीदेगा, खरीदेगा तो अभी पैसे देगा। एन एनुटी, हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, बी है हाउ मच केमिक, हाउ मच वुड ही हैव टू पे इफ इंटरेस्ट रेट वर 8%, और अगर सूद का रेट 6% की बजाय 8% हो जाता तो फिर ये कितनी पेमेंट करेगा। ले स्टूडेंट इसको भी सॉल्व करते हैं, इसका भी डेटा हम लोग इस तरह तरतीब वाइज लिख लेते हैं और फिर इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने फर्स्ट जो चीज़ बताई थी वो कहता है कि हाउ मच केमिक हैव टू पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी क्वेश्चन मार्क, इसमें आर इंस्टॉलमेंट है और वो मेंशन है और वो उसने बताया हुआ है कि जी मेरे पास जो इंस्टॉलमेंट हमें चाहिए वो 7,000 है। एन नंबर ऑफ ईयर उसने बताए हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मुताबिक 20 ईयर हैं, और इंटरेस्ट का रेट जो उसने बताया है वो उसने बताया है जी हमारे पास जो सूद का है रेट वो 6% है, हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इनटू 1 माइनस 1 प्लस, इस फार्मूले में डेटा पुट करते हैं, आर है 7,000, 1 माइनस 1 प्लस, आई है 0.06, एन है 20 डिवाइडेड बाय 0.06, 7,000, और इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06, वन माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 0.06, 1.470 मल्टीप्लाइड बाय 7,000, 1.470 सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये अमाउंट कैलकुलेट होके आती है 80290। यहाँ तक होगी इसकी ए ऑप्शन। अब बात करते हैं इसकी बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में वो कहता है हाउ मच केमिक हैव टू पे, अब भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी है, आर अब भी 7,000 जो उसने पहले मेंशन किया था, एन अब भी 20 जो पहले थे, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट 8% है। दोबारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला लगा देंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर एन डिवाइडेड बाय आई, आर इक्वल टू 7,000, 1 माइनस 1 प्लस 0.08, एन आपके पास सेम वही 20 डिवाइडेड बाय 0.08, 7,000 इनटू वैल्यू, इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं जी, 1 प्लस 0.08 पावर 20, 1 डिवाइडेड बाय आंसर, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय
8 सॉल्व करें तो 9.818, 7000 इंटू 9.818 सॉल्व करें तो 6872 6, ये हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगी। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखा और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी कैलकुलेट करना सीखी। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, पंजाब यूनिवर्सिटी, GCUF, ये इनके फेम के पास्ट पेपर में से है। स्टूडेंट, इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप अपना और मेरे चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।